हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइट एचडी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 8 यानी कि कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, जिसमें हमारा सबसे पहला था टॉपिक था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेकेंड था लेटर राइटिंग, और थर्ड वन था हमारा प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स, और फोर्थ पे था ऑनलाइन राइटिंग, जिसके में हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ लिया है और लेटर राइटिंग भी पढ़ लिया गया है और प्रिपेयरिंग रिज्यूम भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट हमारा ये बचा हुआ है ऑनलाइन राइटिंग। अगर आपने अभी तक हमारी वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर वहाँ पर जाके देखिएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का इस यूनिट 8 का। आइए देखते हैं, देयर आर थ्री टॉपिक्स इन ऑनलाइन राइटिंग। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऑनलाइन राइटिंग क्या होती है, किसे कहते हैं ऑनलाइन राइटिंग। देखिए, आमतौर पर ना हर किसी भी अनजान विषय के बारे में गूगल पर आप सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन यानी कि मिल जाती है, आप इकट्ठे कर लेते हैं। और हम जो गूगल या अन्य किसी भी सर्च इंजन पर जाकर जो आर्टिकल पढ़ते हैं ना, यानी कि आप कुछ भी, आपको देखिए आपको जो भी नीड हो आज के उसमें, आज के टाइम में, तो हमारा गूगल क्या है, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आप कुछ भी सर्च करिए, वो आपको गूगल क्या है रिजल्ट दे देता है। तो इसी तरह आपको सारी नॉलेज मिल जाती है गूगल के द्वारा, और जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना उसे ऑनलाइन आर्टिकल ही कहते हैं। जो लोग ये आर्टिकल लिखते हैं यानी कि जो ये लिखने वाले हैं, जो लोग गूगल पे डालते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल राइटर कहते हैं। यानी कि कुछ भी आप ऑनलाइन, जैसे कि सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है ऑनलाइन राइटिंग, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, आप कहीं भी, आप यूट्यूब को ले लीजिए, तो यहाँ पे जो भी आप लेखन की लिखते हैं वो सारा क्या आ जाएगा, हमारा ऑनलाइन राइटिंग में आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब देखिए, देयर आर थ्री टॉपिक्स इन ऑनलाइन राइटिंग, यानी कि आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन राइटिंग के थ्री टॉपिक्स हैं। पहला है कंटेंट राइटिंग, यानी कि सामग्री संतुष्टि लेखन, यानी कि आपका कंटेंट क्या है ऑनलाइन राइटिंग का, आप किस बारे में लिख रहे हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब दूसरा हमारा है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पत्रिका में आप अपने दैनिक जीवन के बारे में जो कुछ भी अपने बारे में बात करते हैं या उन चीज़ों को लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन लोगों को किसी भी जानकारी को आप नए तरीके से करने का मौका मिला, इसी तरह से शुरू हुआ ब्लॉगिंग की खूबसूरत दुनिया जो है शुरू होती है। ब्लॉगिंग में आप लोगों से अपने विचारों को, अपनी बातों को शेयर करते हैं, ये सारे ब्लॉगिंग में आते हैं। अब थर्ड है ईमेल राइटिंग। अब देखिए, हम सबसे पहले कंटेंट राइटिंग के बारे में यानी कि संतुष्टि लेखन क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, ईमेल पहले यहाँ पे मैं छोड़ दिया हमने, तो ईमेल राइटिंग देखिए, ईमेल क्या होता है, ईमेल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी जानकारी कुछ ही समय में, यानी कि फट से आपने ये सोचा कि मुझे फलां को ये मैसेज सेंड करना है, तो बहुत आसान है, आपने टाइप किया और सेंड कर दिया। तो आज की दुनिया में जो है ना, वो मेल संचार का सबसे सामान्य रूप है। शायद ही कोई कंप्यूटर यूज़र होगा जो ईमेल का उपयोग न करता हो, लेकिन अगर हम देखें तो ईमेल लेखन में तुरंत समाधान पाने में मदद करता है। तो आप ये जान लो कि जो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है।
कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो कंटेंट राइटिंग है वो एक प्रोसेस है, प्लानिंग है लिखने की, यानी कि सामग्री लेखन डिजिटल मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए आमतौर पर वेब सामग्री की एक योजना है। राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट टिपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस, यानी कि जो कंटेंट राइटिंग है ना वो आमतौर पर देखा जाए तो वेब सामग्री की योजना बनाने और संपादित करने की प्रक्रिया है। इसमें जो है ब्लॉग पोस्ट और लेख, इट कैन इंक्लूड राइटिंग ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स, यानी कि इसमें ब्लॉग पोस्ट और लेखक आर्टिकल यानी कि लेख, स्क्रिप्ट्स फॉर वीडियोस एंड पॉडकास्ट, यानी कि वीडियो पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट के साथ ही विशेष प्लेटफॉर्म में भी यूज़ किया जाता है ये, एज वेल एज कॉन्टेंट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये विशिष्ट प्लेटफॉर्म के लिए सामग्री लिखना शामिल हो सकता है, सच एज ट्वीट स्टॉर्म्स ऑन ट्विटर और टेक्स्ट पोस्ट ऑन रेडिट, यानी कि जैसे कि ट्विटर पर ट्वीट या स्टॉर्म्स या रेडिट पर टेक्स्ट पोस्ट करना। अब यहाँ पे सेकंड तरीके से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में, या तो आप इतना लिखिए ऊपर का, या यहाँ से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, यानी कि बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में वी कैन से हम कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि सामग्री लेखन जो है वो एक योजना है राइटिंग एंड एडिटेड वेब कंटेंट को बनाने की। राइटिंग कंटेंट इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिशिंग मालर, यानी कि जो राइटिंग कंटेंट है ना वो बेसिक फाउंडेशन है किसी भी तरह की संपादित करने की प्रक्रिया, यानी कि सामग्री लेखन किसी भी प्रकार के प्रकाशन मॉल के लिए बुनियादी आधार है ये। अब देखिए, इनफैक्ट कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स। देखिए इनफैक्ट यानी कि कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि कंटेंट राइटिंग है जो महत्वपूर्ण है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स, यानी कि सभी प्रकार के विभिन्न सामग्री प्रारूपों के लिए वो क्या है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ऑल टाइप ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स यानी कि सभी प्रकार के राइटिंग लेख, आर्टिकल्स, ब्लॉग, स्क्रिप्ट्स, ट्वीट स्टॉर्म्स ऑन ट्विटर etc यानी कि आदि आर इंक्लूडेड इन कंटेंट राइटिंग, यानी कि ये सभी जो कंटेंट राइटिंग में सामग्री लेखन में क्या है, इंक्लूड यानी कि शामिल है, कौन कौन से आर्टिकल्स, ब्लॉग, स्क्रिप्ट्स, ट्वीट स्टॉर्म्स ऑन ट्विटर इत्यादि आर इंक्लूडेड इन कंटेंट राइटिंग, ये सारे क्या हैं, कंटेंट राइटिंग में शामिल हैं आपके। एन इफेक्टिव कंटेंट यानी कि एक प्रभावी सामग्री राइटिंग यानी कि लेखन इज वन विच एंगेज, यानी कि जो पाठकों को द रीडर्स इंट्रैक्शंस यानी कि आकर्षित करे द रीडर्स को एंड अचीव बिजनेस गोल यानी कि व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करे, यानी कि एक प्रभावी सामग्री लेखन वह है जो पाठकों को आकर्षित करे, देखिए इंट्रैक्शन द रीडर्स यानी कि पाठकों को क्या करे, आकर्षित करे और उनका मनोरंजन करे ना, किसी भी लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए यानी कि लोगों का क्या है, ध्यान अटेंशन अपनी तरफ खींचना पड़ता है, उनके दिलों को जीतना पड़ता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए किसी के साथ। द कॉन्टेंट शुड बी यूनिक कॉन्साइज एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि जो आपका कॉन्टेंट है, जो आपकी सामग्री है, शुड बी यूनिक यानी कि एकदम यूनिक होनी चाहिए, कॉन्साइज यानी कि व्याकरणिक रूप से एकदम
ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरणिक रूप से एक करेक्ट यानी कि सही होनी चाहिए। जो भी आपका कंटेंट है ना, वो एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि आप लिख, आपका कंटेंट कुछ है और आप लिख कुछ और रहे हो, या उसमें ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक्स हों, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्या है कि आपका जो है वो करेक्ट नहीं होगा और लोग क्या करेंगे कि उसको गलत कहना शुरू कर देंगे। और जब कोई भी चीज़ का नकारात्मक प्रभाव एक बार पड़ जाता है तो वो चीज़ें जाके आगे चलती नहीं हैं। तो जब भी आप लिखना शुरू करें तो अपने कॉन्टेंट को ध्यान में रख कर किसी भी चीज़ को राइट करेंगे। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग यानी कि कंटेंट राइटिंग के टाइप्स, ब्लॉगिंग फर्स्ट हमारा है, ब्लॉगिंग होता है। सेकंड है कॉपी राइटिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर आप उसको कॉपी करें, राइट करें, तो ये होता है कॉपी राइटिंग। अब देखिए है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग का मतलब है कि किसी भी डिजिटल डिवाइस पे लिखना, यानी कि कंप्यूटर पे लिखना, लैपटॉप पे लिखना, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल पे लिखना। अब देखिए सोशल मीडिया पोस्ट, ये तो आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना लिख के। और अब ये है पाँचवा हमारा ईमेल है, फिर छठवा हमारा ईमेल न्यूज़लेटर है, सातवें पे है वीडियो स्क्रिप्ट्स। देखिए इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, तो आप लिख देंगे कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। शॉर्ट में भी अगर पूछे तो आप इसका नेम पूरा दे दीजिएगा, अगर लॉन्ग में भी पूछे तो ये आप इसका ब्लॉगिंग लिख के आप थोड़ी सी इसके अंदर राइट कर दीजिएगा। कॉपी राइटिंग को भी देख के, जैसे अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आपको थोड़ा इसके बारे में भी लिखना होगा। वैसे तो टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग अगर शॉर्ट में पूछता है तो आप लिख दीजिएगा देर आर 7 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। पहला है ब्लॉगिंग, दूसरा है कॉपी राइटिंग, तीसरा है टेक्निकल राइटिंग, चौथा है सोशल मीडिया पोस्ट, पांचवा है ईमेल्स, छठवां हमारा है ईमेल न्यूज़लेटर्स, अब सातवां हमारा है वीडियो स्क्रिप्ट्स। अब देखते हैं एवरी कंटेंट राइटर मस्ट बी एबल टू एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग राइटिंग स्किल्स, यानी कि सभी कंटेंट राइटर को मस्ट बी एबल, यानी कि सभी कंटेंट राइटर को एबल होने की आवश्यकता है फॉर फॉलोइंग राइटिंग स्किल्स के लिए। अब देखिए पहला है हमारा एडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि काफ़ी आसानी होगी आपके लिए हिंदी के लिए। तो देखिए कि जैसा, इसका मतलब है कि एडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता, जैसा आपका कंटेंट है ना उसी के अनुसार आपके शब्दों का चयन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका टॉपिक कुछ और है और आप कुछ और लिख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें क्या होता है, जिस जो चीज़ हमें बनानी होती है उसमें जो जो चीज़ें जैसे हमें लगता है कि, जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग में क्या है कि आप सारे कलर के यूज़ कर सकते हैं सभी पेंटिंग के लिए, नहीं, उसमें क्या है हम कलर को सेट करते हैं कि कौन सा उसमें सही लग रहा है, तो सही चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब देखिए रिसर्च, सेकंड पे हमारा रिसर्च, विस्तृत और सुविचारित अध्ययन, यानी कि राइटिंग स्किल्स के लिए आपके शब्दों का चयन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी कि आप कोई भी कंटेंट लिखने जा रहे हैं, आप कहीं भी पोस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में फुली जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सुविचारित अध्ययन, यानी कि उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी आप, अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो। अब देखिए थर्ड है ओरिजिनलिटी, रोचकता, वास्तविकता और मौलिकता, यानी कि
जो आपका कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा रोचक होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं, तो क्या सभी कंटेंट सही होते हैं सबके? और वास्तविक तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है कुछ लोगों के, क्योंकि इतना ज़्यादा झूठ कि फला हीरो मर गया, हालांकि मरता कोई नहीं है, लेकिन छोटी चीज़ें डालने से चैनल आपका एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, उसके बाद क्या है निगेटिव कमेंट आपके पे आने लगेंगे, क्योंकि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सभी को पता होता है। तो आपकी कंटेंट में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता से जुड़ा हुआ कंटेंट होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, जो दर्शकों को मनोरंजन करने में मदद करें। अभी की टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का नियोजन, अगर आप कोई कंटेंट राइट कर रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसमें आपको समय का बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें 5 से 10 मिनट बोलने में लगा देते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो का पता नहीं होता, कंटेंट का पता नहीं होता, 5-10 मिनट ऐसे ही कुछ वीडियोस ले लेती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कैसा कंटेंट है और कितनी मिनट के अंदर हमें अपना ये वीडियो समाप्त करना है। अब देखिए कम्युनिकेशन यानी कि संचार, विचार आदान प्रदान की क्रियाएं। अब देखिए संचार, विचार आदान प्रदान की क्रियाएं यानी कि आपके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अब देखिए एडिटिंग, काट छांट कर व्यवस्थित करना, यानी कि कोई वीडियो है जैसे कि कभी कभी बीच में क्या है रॉन्ग हो जाती है, या हमें कहीं का टॉपिक ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, इसको हटाना है, तो एडिटिंग का खास ध्यान देना चाहिए। काफ़ी अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, जितनी अच्छी एडिटिंग हमारी रहती है उतनी अच्छी वीडियो हमारी चलती है, कॉन्टेंट या कुछ भी हो। नॉलेज ऑफ द सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल यानी कि तकनीकी। हाउ टू राइट गुड कंटेंट यानी कि एक अच्छा कंटेंट कैसे राइट किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस हेडिंग के लिए मैंने ये पेन यूज़ किया है, आप देख सकते हो आउटलाइन एगो लाइन का कैलीग्राफी पेन है ये, हेडिंग के लिए आप इसे बाय कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मैंने तो ये ऑफलाइन लिया था, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये पेन है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में बहुत अच्छा इससे राइट हो जाता है। तो अगर आपको भी इतनी ब्यूटीफुल सी हेडिंग के लिए अगर लेना हो, आपकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो, तो आप ये परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अब देखिए देखते हैं हाउ टू राइट गुड कंटेंट यानी कि एक अच्छा कंटेंट कैसे राइट किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वी शुड कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स यानी कि हमें क्या है ये सारे जो बिंदु दिए गए हैं हाउ टू राइट गुड कंटेंट यानी कि इन सबको फॉलो करना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला है क्रिएट एन आउटलाइन, दूसरा है मेक इट इजी, तीसरा है फ्रेम इट विथ रियलिटी, चौथा है चूज इंटरेस्टिंग एंगल्स, पांचवा है मेक इट एक्शनेबल। पहला यानी कि क्रिएट एन आउटलाइन, इसके बारे में हम पहले हेडिंग के बारे में जानेंगे। देखिए इट हेल्प्स द कंटेंट टू कम आउट बेटर यानी कि ये हेल्प करता है, मदद करता है कंटेंट को यानी कि सामग्री को टू कम आउट बेटर यानी कि बेहतर ढंग से। इट फोर्सेस अस टू पुट ऑल थॉट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यानी कि ढंग से सामने लाने में क्या करता है, मदद करता है कंटेंट को। इट प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर फॉर कंटेंट यानी कि यह
हमें सभी विचारों को व्यवस्थित तरीके से क्या करता है, रखने के लिए मजबूर करता है। ये सामग्री के लिए एक बेहतर संचार संरचना प्रदान करता है। सेकंड हमारा है मेक इट इजी। इट शुड बी इजी इट शुड बी ईजी टू रीड, यानी कि इसे पढ़ना आसान होना चाहिए। इफ़ द पोस्ट इज हार्ड फॉर पीपल टू कंज्यूम, यानी कि अगर आपका जो पोस्ट है वो लोगों को पढ़ने में, यानी कि हार्ड फॉर पीपल यानी कि लोगों को पढ़ने में अगर कंज्यूम यानी कि कठिनाई होगी तो नो वन विल रीड इट, यानी कि इसे कोई, नो वन यानी कि कोई भी इसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा। सो ऑलवेज यूज सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज इन कॉन्टेंट, यानी कि इसलिए हमेशा हमें अपने कॉन्टेंट में हमेशा सरल और आसान भाषा का उपयोग करना चाहिए या करते हैं। देखिए, कोई भी कंटेंट आप राइट कर रहे हैं ना, तो इसमें यही बताया गया है कि उस कंटेंट को आप अपने वर्ड्स में बिल्कुल आसान भाषा में राइट करिए ताकि लोगों को पढ़ने में कठिनाई ना हो। अगर आप भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी का नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो बिल्कुल हार्ड लिखा हुआ है यानी कि मुश्किल लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से उसको स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी दूसरी जगह पे आपको उससे इजी वर्ड्स में मिलता है तो आप क्या करते हैं, आप दोनों में से कौन सा लेंगे? जाहिर है आप इजी वाला लेंगे। तो यही बताएगा कि जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल इजी वर्ड्स में होना चाहिए जो कि लोगों को पढ़ने में आसानी। अब तीसरा है फ्रेम इट आवर कंटेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रियलिटी, यानी कि जो हमारा वो वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, यानी कि रियलिटी यानी वास्तविकता, सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट इट फर्स्ट फॉर इट। वी हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ द कंटेंट, यानी कि देखिए, सो दैट पीपल कैन ट्रस्ट, यानी कि अगर आपका कंटेंट जो है वो वास्तविकता पर आधारित होगा ताकि लोग उस पर क्या करें, सबसे पहले भरोसा कर सकें। इट फर्स्ट फॉर इट यानी कि सबसे पहले क्या है, आपके कंटेंट पे लोग भरोसा करें। वी हैव टू गो यानी कि हमें सामग्री की इन द डेप्थ ऑफ द कंटेंट, डेप्थ यानी कि गहराई, हमें सामग्री की कंटेंट की गहराई में जाना होगा। इसके लिए Choose interesting angles we should publish, यानी कि हमें कुछ, we should publish something यानी कि कुछ भी प्रकाशित करना चाहिए। generic and expect view of visitors यानी कि हमें कुछ सामान्य प्रकाशित करना चाहिए और आगंतुकों की लहर में उनकी मदद करनी चाहिए। view of visitors यानी कि आगंतुकों की लहर में उनकी उम्मीद करनी चाहिए कि इट नीड्स टू कंप्लेन एंगल इट शुड बी सिंपल, यानी कि क्या है, यह सरल होना चाहिए। यानी कि देखिए, जो हमारा कंटेंट है ना वो ऐसा, चूज इंटरेस्टिंग एंगल्स यानी कि आपको ऐसा ऐसा एंगल ढूंढना होगा, चूज करना होगा कि जैसे कुछ भी आप पोस्ट करें ना तो वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि जो जो कंटेंट देखने वाला हमारा है वो बिल्कुल मजबूर हो जाए ओपन करने के लिए। ऐसा हमारा कंटेंट होना चाहिए। पांचवा है मेक इट एक्शनेबल। इट इज़ नॉट इनफ टू बी सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव बट इट नीड्स टू बी सुपर, यानी कि इट इज़ नॉट इनफ यानी कि इतना ही इनफ नहीं है, टू बी सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव यानी कि सूचनाप्रद होना
ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके लिए अत्यधिक होना उपयोगी यानी कि आवश्यक है। अब देखिए, फॉर इट वी शुड यूज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी कि हमें क्या है, चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। तो ये हमारा ऑनलाइन राइटिंग यहाँ पे समाप्त होता है। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।